चलिए आज का एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपको मैं बता दूं, आज 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी का जो पेपर हुआ, उस पेपर में ये क्वेश्चन दोबारा से आया। मैंने दोबारा से इसलिए बोला है क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन एक बार आ चुका था, और विश्वास मानिए पूरे यूट्यूब पर एक्स्ट्रा सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। मैंने पिछली बार भी एक्स्ट्रा सोल्यूशन सॉल्व कराया था और इस बार भी मैं एक्स्ट्रा सोल्यूशन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये अगर यकीन ना हो तो आप पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। ये एक अवतल दर्पण जिसका वस्तु का 3 गुना वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, यदि पर्दे को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि यह वस्तु का 6 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाए, तो उस स्थिति में पर्दा 39 सेंटीमीटर खिसक जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। यह प्रश्न 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट आज पूछा गया है ना। अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए। तो लगभग ऐसा ही सवाल 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, आप देख पा रहे होंगे 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था लगभग ऐसा सवाल। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का 3 गुना वास्तविक दर्पण से 24 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब का 6 गुना हो जाए तो बताओ वस्तु की स्थिति क्या हो रही है ना। मतलब लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल था। ओके, तो ये प्रश्न मैंने आपको पूरा सॉल्व भी कराया था और वहां पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया था। हाँ, इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। फिलहाल ये सवाल और आज जो सवाल आया है वो सवाल टोटली अलग है, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है, टोटली नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आपको समझना पड़ेगा। मैं उस तरह का भी, अगर आपने वाला सवाल पढ़ा होता ना तो आज डेफिनेटली जो है ये सवाल का सवाल सोल्यूशन आप करके आते, है ना। तो अगली वाली शिफ्टों में अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे करना है, मैं दोबारा से आपको एक्स्ट्रा सोल्यूशन बता देता हूँ। क्योंकि पिछले वाले सवाल में उन्होंने वस्तु की दूरी पूछी थी, अब देखो इस वाले सवाल में इन्होंने किसकी दूरी पूछी है, वस्तु की स्थिति पूछी है, और मेरे भाई ये वाला जो प्रश्न आज पूछा गया है इसमें इन्होंने फोकस दूरी पूछी है, है ना। चलो, तो अब मैं सवाल को पढ़ देता हूं जल्दी से और देखते हैं कि ये सवाल का सलूशन क्या हो। पहले आप लोग को बातें समझनी पड़ेगी। सवाल देखिए, ये सवाल जो है वो एक अवतल दर्पण का है। मान लीजिए मेरे पास ये एक अवतल दर्पण हो गया और ये रहा मेरा पोल, ये रहा तुम्हारा सेंटर, और मेरे बच्चा ये रहा तुम्हारा, ये रहा आगे फोकस, और ये रहा तुम्हारा कह सकते हो सेंटर, है ना। तो फोकस आगे होता है और यह तुम्हारा सेंटर। अब आगे देखिए, यह आगे इन्फिनाइट होगा, आगे क्या होगा, इन्फिनाइट। सवाल है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक मतलब दर्पण के सामने बड़ा, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली वाली कंडीशन के अनुसार वस्तु तुम्हारी यहां रखी होगी, पहली वाली कंडीशन के अनुसार वस्तु तुम्हारी यहां पर रखी होगी, और प्रतिबिंब इसका 3 गुना बड़ा बनता है। ये देखिए, प्रतिबिंब 3 गुना कैसा बनता है, तो 3 गुना बच्चा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह रहा तुम्हारा आई, है ना। तो ये जो मैंने यहां पर ये मैंने बनाया है पहली वाली कंडीशन के अनुसार, ये मैंने बनाया है पहली वाली कंडीशन के अनुसार। तो पहली वाली कंडीशन के अनुसार प्रतिबिंब वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, और कितने गुना बड़ा बनता है, तो बच्चा ये 3 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। फिर दूसरी वाली कंडीशन में ये बोला गया है कि यदि पर्दे को इस प्रकार, पर्दा का मतलब होता है जहां प्रतिबिंब, पर्दे का मतलब होता है जहां प्रतिबिंब है, तो पर्दे को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि यह वस्तु का 6 गुना प्रतिबिंब बनाए। यानी पर्दा जो पहले यहां था उसको हमें ऐसे बनाना है कि 6 गुना प्रतिबिंब बन जाए, 6 गुना मतलब बड़ा। तो कई बार मैंने बताया है कि प्रतिबिंब जब इन्फाइनाइट की ओर जाता है तो वो बड़ा होता रहता है ना। इसका मतलब आपको पर्दा जो है कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस करना है, और कितना डिस्प्लेस करना है, तो उन्होंने दिया है 39 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करना है, और बनने वाला प्रतिबिंब बताइए कितने गुना बन जाएगा, 6 गुना बन जाएगा। कितने गुना, 6 गुना। लेकिन अगर बनने वाला प्रतिबिंब को 3 गुने को तुम्हें 6 गुना करना है, तो पर्दा तो 39 सेंटीमीटर खिसक गया, ध्यान से सुनना कह दे के साथ, लेकिन वस्तु कहाँ की ओर रखना पड़ेगा, सवाल ये है। तो बच्चा जैसे जैसे वस्तु को हम लोग, मैंने ये पिछली बार बताया था, वस्तु का सेंटर की ओर ले जाते तो प्रतिबिंब जो है वो सेंटर की ओर आता रहता, लेकिन वस्तु को आपको फोकस की ओर ले जाना पड़ेगा। वस्तु को कहाँ ले जाना पड़ेगा, फोकस की ओर। तो मेरे भाई, जब वस्तु को फोकस की ओर ले जाओगे तो प्रतिबिंब इन्फाइनाइट की ओर चला जाता है, है ना। तो अगर मैं पहली वाली कंडीशन में देखूं कि पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ है, तो आप ऐसा कह सकते हो मेरे भाई कि पहली वाली कंडीशन में वस्तु यहां थी 1 और प्रतिबिंब यहां, ये पहली वाली कंडीशन हो रही। ओके, दूसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ है कि दूसरी वाली कंडीशन में वस्तु ये रही और प्रतिबिंब ये रहा, मतलब मैंने 1 1 पहली वाली कंडीशन, 2 2 दूसरी वाली कंडीशन। लेकिन इन्होंने जो खिसकाया है 39 सेंटीमीटर, देखो पर्दे को खिसकाया है, वस्तु को नहीं, ध्यान समझना। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर ये 39 सेंटीमीटर खिसकाया है तो वस्तु भी 39, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
ओके, अब सवाल को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो, चाहे पहली वाली कंडीशन हो डेट मींस तीन गुना वाली, या फिर दूसरी वाली कंडीशन हो मतलब छह गुने वाली, दोनों ही कंडीशन में फोकस दूरी बराबर रहेगी, है ना। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, दोनों ही कंडीशन में फोकस दूरी को कॉन्स्टेंट करने वाला हूं बच्चा, है ना। तो पहली वाली कंडीशन के अनुसार अगर मैं देखूं, बहुत ध्यान से सुनना, पहली वाली कंडीशन के अनुसार ये तुम्हारा रहा U, ये क्या रहा U हरा, और पहली वाली कंडीशन के अनुसार ये रहा तुम्हारा V, पहली वाली कंडीशन के अनुसार U और V ये होंगे, U और V ये होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं दूसरी वाली कंडीशन के अनुसार पूछूं तो बच्चा मैं कह सकता हूं कि दूसरी वाली कंडीशन के अनुसार ये देखिए ये हो जाएगा U, पहली वाली कंडीशन के अनुसार U, लेकिन ये U डैश मानिए, ये U डैश मानिए, और बच्चा अगली वाली कंडीशन के अनुसार ये तुम्हारा V डैश हो जाएगा, यहां से लेकर ये V डैश हो जाएगा, है ना। तो V V डैश इन दोनों में मैं जरूर बता सकता हूं कि कौन क्या होगा, है ना। तो बच्चा जो पहले V था वो बाद में V डैश हो गया, बाद में V डैश हो गया, और V डैश का मान कोई पूछे तो V प्लस 39 बताइए, क्लियर है ना, V प्लस 39 बताइए। पहले जो तुम्हारा U था वो तुम्हारा U डैश हो गया, पहले जो U था वो U डैश हो गया, लेकिन मुझे U डैश का मान नहीं पता, मुझे U डैश का मान नहीं पता, बताइए। इतनी बात सबको क्लियर है, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं आपको लगाने वाला हूं सीधा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। तो पहली वाली कंडीशन में देखिए क्या हुआ कि पहली वाली कंडीशन में, बहुत ध्यान से सुनना, पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ, पहली वाली कंडीशन में देखिए वस्तु का तीन गुना प्रतिबिंब बना, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पहली वाली कंडीशन के अनुसार मैं कहूं तो पहली वाली कंडीशन के अनुसार V बराबर हो जाएगा 3U, है ना। अब आप कहोगे ये कैसे आया मास्टर, बच्चा ये ऐसे आया क्योंकि आपको एक बात पता है कि माइनस का V बटे U ये माइनस का M या माइनस का 3 के बराबर करना पड़ेगा। क्यों माइनस का 3 के बराबर किया, ये तो 3 गुना वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा माइनस में होता है इसलिए माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप देखिए कि पहली वाली कंडीशन के अनुसार V बराबर, पहली वाली कंडीशन के अनुसार V बराबर 3U, और सेम तरीके से दूसरी वाली कंडीशन के अनुसार V डैश बराबर हो जाएगा 6 इंटू U डैश, आप ऐसा बोल सकते हो ना, क्योंकि दूसरी वाली में 6 गुना बड़ा। ओके चलो, अब मैं इसका आगे सोल्यूशन बताता हूं। तो मैं दोनों ही कंडीशन में फोकस दूरी को बराबर करता हूं, यानी 1 अपॉन F इन फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू 1 अपॉन F इन सेकेंड कंडीशन। बताइए दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कहना 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V बराबर होता है, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन U डैश प्लस 1 अपॉन V डैश, ये हो जाएगा। अब मैं दोनों के मान रखना चाहता हूं, तो अगर मैं दोनों के मान रखूं तो पहली वाली कंडीशन के अनुसार देखिए V डैश बराबर V या U बराबर V बराबर 3U और V डैश बराबर 6U डैश, लेकिन मुझे U डैश नहीं पता, तो मैं U डैश का मान ना रखकर मैं सीधा सीधा पता किसका मान रखने वाला हूं, मैं मान रखने वाला हूं U का, यहां से U का मान निकालिए। तो बच्चा अगर यहां से U का मान निकाला जाए तो V बटे 3, आप देखो तो यहां से U बराबर मैंने निकाला तो V बटे 3 आ जाएगा, देख लो। और अगर मैं यहां से पूछूं कि U डैश का मान कितना होना चाहिए तो V डैश बटे 6, आप देखो ना U डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखिए V डैश बटे 6, लेकिन V डैश 39 सेंटीमीटर खिसक गया, इसका मतलब V डैश का मान हो जाएगा, यहां से कह सकते हो V डैश का मान हो जाएगा V प्लस 39 बटे 6, बताइए। तो इन दोनों मानों को उठा के यहां पुट कराइए, आंसर तुरंत मिल जाएगा आप, अब ज्यादा तीन तावड़ा नहीं बचा। तो कहना U का मान V बटे 3, तो V बटे 3 यहां रखिए तो 1 अपॉन V बटे 3, लेकिन V बटे 3 जैसे ही ऊपर जाएगा, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं इस वाले को, तो वो 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे हो जाएगा U बराबर V बटे 3, 3 बटे V प्लस 1 अपॉन V बराबर, सेम सिचुएशन आपको U डैश के लिए रखना है, V प्लस 39 बटे 6, यानी 6 ऊपर V प्लस 39 नीचे, ध्यान से सुनते रहना, और प्लस हमारा V डैश, प्लस V डैश, है ना। तो V डैश का अगर मैं मान पूछू कि V डैश का मान कितना है, तो V डैश का मान तो मुझे डायरेक्ट पता है कि V डैश का मान जो है वो देखिए यही तो तुमने V डैश का मान रखा है V प्लस 39, तो यहां पर कह सकते हो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन V प्लस 39। तो मैंने दोनों ही कंडीशन में फोकस दूरी को बराबर कर दिया, बस
यहां से पहले आप v का मान निकालो तो ये कह सकते हो ये 4 बटे v हो जाएगा, ये तुम्हारा 7 बटे v प्लस 39 हो जाएगा। ओके, और देखिए इधर का इधर सॉल्व किया, इधर का उधर सॉल्व किया, यानी ये 4 बटे v ये भी फोकस दूरी है देखो, और 7 बटे v प्लस 39 ये भी फोकस दूरी है। चलिए सॉल्व आइए तो 7v और ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा 156 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां 4v आएगा, यहां पर आएगा 4v और ये हो जाएगा 7v, तो v उधर जाएगा तो ये 3v बराबर 156, और मेरे भाई अगर v बराबर निकाला जाएगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, v बराबर 52 सेंटीमीटर। एक मान तुम्हें पता चल गया 52 सेंटीमीटर, बस 52 सेंटीमीटर का मान उठाकर, 52 सेंटीमीटर का मान उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट करा दो या फिर डायरेक्ट 4 बटे v निकाल लो। हाँ, लेकिन 4 बटे v वो 1/f होगा। हाँ, तो 1/f बराबर हो जाएगा 4 बटे v, v का मान 52। अब देखिए यहां से फाइनली फोकस दूरी जो आ जाएगी वो तुम्हारा 13 सेंटीमीटर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर इस सवाल का कितना हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बच्चा, बात सब क्लियर है ना? तो ये वाला प्रश्न अभी आया है इसलिए आप देख लीजिए, तो इसका जो सही आंसर जाएगा 13 सेंटीमीटर के साथ जाएगा। कैसे सॉल्व हुआ आपको तरीका समझ में आना चाहिए। मैं याला ये इस पर वीडियो डाल चुका हूं, जाते देख लीजिएगा, टोटल इसी पर बेस कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना? तो आप जरूर इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे लगाया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? फिलहाल मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। नहीं समझ में आया तो कम से कम मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ जाऊंगा इस वीडियो पर, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।